हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, बहुत सारे लोग होते हैं जो अट्रैक्टिव दिखने के लिए फेस के सभी पार्ट पे ध्यान देते हैं बट आईज पे नहीं। अगर आप लोग डेट पे या फिर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो तो आईज कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी आईज अट्रैक्टिव हो तो सामने वाला बंदा या बंदी इजीली आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सो गाइस, मैं आप लोग को 6 टिप्स दूंगा जिससे आपकी आईज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। सो वीडियो को एंड तक देखें, ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए। गाइस, लाइक शेयर, ये वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो पार्ट आपके आईज को अट्रैक्टिव दिखाती हैं वो हैं आईबॉल्स, आईब्रोज, आईलैशेस और स्किन अराउंड योर आई। सो अट्रैक्टिव आईज दिखाने के लिए ये 4 पार्ट इम्प्रूव करने होंगे। और ये पार्ट को इम्प्रूव कैसे करने हैं तो मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टिप, आई बॉल्स। सो गाइज, आई बॉल्स कम्प्लीटली वाइट होने चाहिए, रेडनेस नहीं होनी चाहिए आईबॉल्स में। रेडनेस निकालने के लिए आप आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अल्कोहल या ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे आपके आईबॉल्स में रेडनेस बढ़ जाती है। सो ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम ना करें। एंड गाइस, जैसे बॉडी को रेस्ट ज़रूरी होता है वैसे आईज़ को भी रेस्ट देना ज़रूरी होता है। सो गाइस, दिन में आप 7 to 8 आवर्स कंप्लीट स्लीप ले ले, सो आपकी आईज को रेस्ट मिल जाएगा। एंड गाइस, आप होम रेमेडी यूज कर सकते हो आईज को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि गाइस कोल्ड कुकुम्बर के स्लाइस, एप्पल्स और पोटैटो के स्लाइस, ये आपको डार्क सर्कल निकालने में हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, टी बैग्स भी यूज कर सकते हो आप। लाइक 2 टी बैग्स को आप एक बाउल ले, उसमें पानी डालें, 2 टी बैग्स को भिगाएं उसमें एंड फिर उसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखें। एंड उसके बाद नॉर्मली उसको आप अपने आईज पे यूज़ कर सकते हो टी बैग्स को फॉर फ्यू मिनट्स, लाइक 10 to 15 मिनट्स के लिए आप रखें, तो वो आपको सूजन, आपके आईज के नीचे जो सूजन और डार्क सर्कल को कम करने में हेल्प करता है। टिप नंबर 2, वाटर। गाइस, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है आईज के लिए। पानी पानी पिए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आईज डिहाइड्रेट हो जाएंगे एंड डल दिखने लगते हैं। अभी 3rd टिप है गाइज, आईब्रोज। गाइज, आईब्रोज को प्रॉपर शेप में रखें। एंड गाइज, आईब्रोज को कभी वैक्स ना करें। अगर आपको आईब्रोज को शेप में रखना है तो उसको ट्वीजर से शेप में लाएं एंड वैक्स यूज ना करें आईब्रोज पे। अब आते हैं गाइज टिप नंबर 4, रिंकल्स। गाइज, अर्ली एज में रिंकल्स आना, लोग उसको नोटिस करते हैं एंड वो अच्छा नहीं लगता है। सो गाइज, आप ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें रिंकल्स निकालने के लिए जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जिसमें ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें एंटी रिंकल्स इंग्रेडिएंट हो, लाइक एंटीऑक्सीडेंट और स्किन रिस्टोरिंग इंग्रेडिएंट्स, ये रिंकल्स हटाने में मदद करेंगे। अभी आता है गाइस टिप नंबर 5, आईलैशेस। आईलैशेस बहुत इंपॉर्टेंट है आईज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। सो आईलैशेस को आप इम्प्रूव करने के लिए आईलैश कलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके आईलैशेस प्रॉपर ग्रो नहीं होते तो उसके लिए आप आईलैश सीरम यूज़ कर सकते हो एंड वो बहुत रिजनेबल प्राइस में मार्केट में आपको मिल जाएगा गाइस। अब आते हैं गाइस टिप नंबर 6। सो गाइज, अगर आपको हेल्दी आईज चाहिए तो आपको हेल्दी फूड इनटेक करना होगा। अगर आपको ब्राइट और हेल्दी आईज चाहिए तो आपको मोर एंटीऑक्सीडेंट, मोर हेल्दी फैट लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन्स में लाइक विटामिन ए इनटेक करना होगा। सो आपको कैसा फूड इनटेक करना चाहिए जिससे आपकी हेल्दी और ब्राइट आईज हो, सो मैं आपको बताऊँगा। आपको एग्स, स्वीट पोटैटोज, ब्लूबेरीज, कैरेट्स एंड नट्स, इससे ये फूड इंटेक करने से आपकी हेल्दी आईज और ब्राइट आईज होंगी गाइज। सो गाइज, मैं अभी आपको बोनस टिप्स बताने वाला हूँ।
गाइस, अगर आप कभी भी घर के बाहर जा रहे हो तो सनग्लासेस पहन के जाओ। सनग्लासेस आपके आईज को यूवी रेज, पॉल्यूशन और डस्ट से बचाएंगे, तो कि आपकी आईज हेल्दी रहेंगी और अच्छी रहेंगी। एंड गाइस, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि उन पर कैसे सनग्लासेस सूट करता है, तो गाइस मैं डोंट वरी, आप पे कैसे सनग्लासेस सूट करता है उस पर मैं एक टिप बताऊंगा। देखो गाइस, अगर आपका फेस राउंड है तो उसका अपोजिट शेप का सनग्लासेस ले। जैसे आपका फेस राउंड है तो आप स्क्वायर या रेक्टेंगल सनग्लासेस पहने, क्योंकि आप पे वो सूट करेगा। ओके, सो ये टिप्स थी गाइस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।